हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चा अगर कम वेट का पैदा हुआ है तो उसका वेट कैसे बढ़ेगा। जी हाँ, पेरेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लो बर्थ वेट के पैदा होते हैं, जो कि कई बार क्या होता है कि मदर अगर सही से डाइट नहीं ले रही है या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन की वजह से, मदर को कोई हिस्ट्री है बीमारी की उस वजह से या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन की वजह से बच्चा कम वेट का पैदा हो सकता है। तो देखिए, अगर बच्चा कम वेट का पैदा हो रहा है तो कैसे बच्चे का वजन बढ़ाएं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको फीड प्रॉपर देना है। अगर आपका फीड बन रहा है, दूध बन रहा है, तो आपको हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है, और फीड कराने के बाद आपको डकार जरूर पिलानी है। जी हाँ। दूसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बार बार छाती से लगाना है। कई बार क्या होता है कि माएं जो होती हैं वो थक जाती हैं, कंफर्टेबल नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है कि मदर को सपोर्ट करने के लिए एक लोग की आवश्यकता होती है, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है। तो जरूर बच्चे को छाती से लगाएं। देखिए, जब तक बच्चा स्पर्क नहीं करेगा बार बार, तब तक जो आपके जो दूध बनाने वाले हार्मोन है वो काम नहीं करेंगे। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो तभी अपना वर्क अच्छे से करता है जब बच्चा बार बार स्पर्क करता है। जो ब्राउन एरोला वाला पार्ट होता है, बच्चा उसको अच्छे से मुंह में लेता है, उसके बाद स्पर्क करता है, तो उसके बाद ही जो हमारे दूध बनाने वाले हार्मोन है वो अपना काम अच्छे से करते हैं प्रॉपर तरीके से, तभी आपके बच्चे का पेट फुल होगा। अगर आप इस तरीके से बार बार बच्चे को छाती से लगाएंगी तो, क्योंकि एक बार में तो बच्चा सब करना सीखेगा नहीं, बार बार उसे छाती से लगाएंगी तो बच्चा सब करते रहेगा और एक समय के आते आते दूध निकलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद दूध बनना धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो इस तरीके से काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि क्योंकि एकमात्र यही एक तरीका है बच्चे का वेट बढ़ाने का, क्योंकि बच्चा इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले सकता जिससे कि हम बच्चे को वो चीज दे सकें। इसके अलावा अगर मदर का फीड नहीं बन रहा है तो डॉक्टर से आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, लिखवा सकते हैं। दूसरा, फिर भी नहीं बन रहा है तो आप पाउडर वाला मिल्क, यानी कि फॉर्मूला मिल्क को स्विच करना होता है, स्विच करना होता है और वो देना होता है, और जिससे कि बच्चे का वेट सही से बढ़ सके। तो आपको हर 2 घंटे पे फीड कराना है, बच्चे को डकार दिलाना है, ताकि जो खाया है बच्चे का वो आसानी से बच्चे के स्टमक में जा सके और अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो एक और गलती फीमेल करती है कि जब आप एक छाती से दूध पिलाती हैं तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको पतला पतला दूध दिखेगा, यानी कि धुंधला काफी दूध आपको दिख सकता है, यानी कि काफी पतला, जो कि आपके बच्चे को, जिसे हम फोर मिल्क बोलते हैं, वो आपके बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा 10-15 मिनट सब करेगा, उसके बाद जो हाइम मिल्क जिसे बोलते हैं, थोड़ा गाढ़ा येलोइश कलर का दूध निकलेगा, तो उसी में फैट की अच्छी क्वालिटी होती है जो कि बच्चे के वजन को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 2 मिनट इस छाती से पिला रहे हैं, फिर दूसरी छाती से पिला रहे हैं, फिर बच्चा सो जा रहा है थक के सब करके, और उसके बाद जब बच्चा उठ रहा है तो आप फिर दूसरी छाती से लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चा को पतला दूध है वही मिलेगा, सिर्फ आप अंदर का जो गाढ़ा मिल्क है वो नहीं दे पाएंगे, हाइंड मिल्क जिसे बोलते हैं उसको, उसके बेनिफिट बच्चे को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसमें एक फैट की अच्छी क्वालिटी होती है जो कि बच्चे के वजन को बढ़ाने में हेल्प करती है। जो फर्स्ट में पतला मिल्क आता है वो इन्फेक्शन से बच्चे को बचाता है, जिसे हम फोर मिल्क बोलते हैं। तो दोनों दूध का बैलेंस देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, तो इसलिए एक छाती को आप 10 से 12 मिनट जरूर लगा के रखिए, जिससे कि दोनों जो फोर मिल्क है, हाइंड मिल्क है, दोनों का बैलेंस अच्छे से बच्चे को दे सके, दोनों के बेनिफिट बच्चे को अच्छे से दे सके, जिससे कि बच्चा अच्छे से वेट गेन करे। जी हाँ, यही एक तरीका होता है। दूसरा, कंगारू केयर, जो कि मदर की बॉन्डिंग बच्चे के साथ हो सके और बच्चा काफी कंफर्ट फील करे, इसके लिए कंगारू केयर भी दी जाती है, जो कि आपको डॉक्टर बता देंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं नीचे हमें कमेंट में जरूर लिखें। आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।